गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 11 नवंबर 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लैंडस्टीनर के द्वारा। तो ब्लड ग्रुप था वो हमारा लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 सन के अंदर जो कि खोजा गया था। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा होगा डी, 2017 के अंदर। तो भारत जो हमारा जो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सदस्य था हमारा वो 2017 के अंदर जो कि बना था। अभी हाल ही में इंडिया ने जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट थी उसको अटेंड किया गया था, जिसके अंदर इंडिया को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये जो समिट थी हमारी SCO की 20वीं जो कि समिट थी, और इंडिया की जो कि मेंबर बनने के बाद थर्ड समिट थी जो कि 2017 के अंदर बना था। 2005 से लेकर के 2017 तक जो है इंडिया वो हमारा इसका ऑब्जर्वर के तौर पर रहा था। ये जो समिट थी इसको जो चेयर किया था वो हमारे जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, उनके द्वारा इसको चेयर किया गया था, इसके अध्यक्ष रहे थे। और कंट्री जिन्होंने इस समिट को अटेंड किया था वो थे हमारे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस संस्थान की सहायता से किया गया? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, IIT गुवाहाटी। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर यानी कि AIWC का जो कि इनॉग्रेशन है जिसको किया गया था एक वर्चुअल समिट के द्वारा। ये जो हमारा जो वाटर सेंटर है ये हमारा IIT गुवाहाटी के द्वारा जो कि इंडियन साइड से जो हमारा इंस्टीट्यूट था इसके अंदर, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी है उसने इसके अंदर जो कि पार्टिसिपेट किया, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। ये जो हमारा जो वाटर सेंटर होगा ये हमारा जो वाटर से रिलेटेड और जो एनर्जी के अंदर जो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको जो कि ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जैसे वाटर क्लाइमेट चेंज को हो गया रिलेटेड, वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ड्रॉट्स जो हमारे सूखे होते हैं, फ्लड्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कि डाटा इकट्ठा करेगा, और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी रिसर्च वगैरह वो भी ये कैरी आउट करेगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सबका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक के द्वारा NCMC यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड है जो कि लॉन्च किया गया। ये हमारा फर्स्ट एवर एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कम प्रीपेड रुपए कार्ड है जो कि बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि आप बिना कॉन्टैक्ट के आप है जो कि कॉन्टैक्टलेस एक पूरी तरह से जिससे पेमेंट की जा सकती है। एक डेबिट कार्ड था जो हमारा ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के विजन के तहत है जो कि इसको लॉन्च किया गया था। कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो कर्नाटका बैंक के जो MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं वो महाबलेश्वरा MSG हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटका के मंगलोर सिटी के अंदर स्थित है। हाल ही में कर्नाटका बैंक ने KBL माइक्रोमित्रा जो है योजना भी जिसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस थी जो कि इसके द्वारा प्रदान की जा रही थी। अगला क्वेश्चन, भारत ने खेल और युवा मामलों में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो हाल ही सॉरी इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा मालदीव। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो मिसप्रिंट हो गए शायद, तो यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट कर लीजिएगा आप काट करके, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो आप सी ऑस्ट्रेलिया को काट करके वो आपका हो जाएगा मालदीव। तो अभी हाल ही में भारत ने
मालदीव के साथ मिलकर के जो है 4 MOU थे जिनको साइन किया था, जो कि हमारे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर कोऑपरेशन को लेकर के, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को लेकर के, सेटिंग ऑफ प्लांट्स को लेकर के, और सोइल टेस्टिंग लैब्स को स्थापित करने के लिए जो कि ये किए गए थे, जो कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी उनकी जो उन्होंने जो उनकी मालदीव विजिट के दौरान है जिनको साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना भारत द्वारा किस देश में बनाई जा रही है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, USA के अंदर। तो जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा 2020 के जो हमारे फिजिक्स के नोबेल ल्यूरेट्स हैं प्रोफेसर एंड्रियास गेज, उनके साथ कोलेब्रेशन करके जो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जो कि वो बनाया जा रहा है। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हवाई के अंदर है जो कि इसको बनाया जाए, इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो हमारा टेलीस्कोप है ये 5 कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया, चाइना, जापान, कैलिफोर्निया और कनाडा, इन सब के साथ मिलकर के है जो कि ये इनका जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये जो टेलीस्कोप होगा एक हमारा लार्ज टेलीस्कोप, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है जो कि हमारा अल्ट्रा वायलेट टू मिड इंफ्रा रेड ऑब्जर्वेशंस को जो है डिटेक्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो डायमीटर होगा वो हमारा 30 मीटर का प्राइम मिरर डायमीटर है, ताकि ये जो है हमारी गैलेक्सी के अंदर है जो लार्ज डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट्स स्थित हैं उनको भी जो के ऑब्जर्व कर सके और उनकी इमेजेस को ले सके। अगला क्वेश्चन है, गांधी जैसा कि मैंने समझा, महात्मा गांधी पर विशेष एंथोलॉजी किस देश द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, तो नेपाल। तो द गांधी एज आई अंडरस्टूड जो के नाम से जो स्पेशल एंथोलॉजी है वो नेपाल के द्वारा जो कि रिलीज की गई थी। ये हमारे जो नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि गांधी महात्मा गांधी जी के 151वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रवासन नीति सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, केरल ने। तो हाल ही में मुंबई बेस्ड जो नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया माइग्रेशन नाउ, उसने इंटर स्टेट माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स जो कि लॉन्च किया था, जिसको केरला ने जो कि टॉप किया हो, और सबसे निचले स्थान पर जो कि दिल्ली रही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो इसका जब सही आंसर हो जाएगा होगा सी, DRDO के द्वारा। तो हाल ही में DRDO के द्वारा जो है फायर डिटेक्शन और सुप्रेशन सिस्टम है जो कि पैसेंजर बसेज के लिए डेवलप किया गया है। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है बसेज के अंदर जो है फायर को 30 सेकेंड से भी कम समय के अंदर है जो कि डिटेक्ट कर सकेगी, और ये उसको जो है फायर को 60 सेकेंड के अंदर है जो कि बुझा भी देने में भी सक्षम होगी। इसको जो हमारा जो DRDO का जो दिल्ली बेस्ड सेंटर है जो कि हमारा फायर एक्सप्लोजिव एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए काम करता है DRDO का, उसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। ये जो हमारा जो फायर डिटेक्शन और सुप्रेशन सिस्टम है, इसके अंदर 80 लीटर की कैपेसिटी का जो कि वाटर टैंक है जो कि बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 16 ऑटोमाइजर्स होंगे जो कि ट्यूब्स के द्वारा कनेक्टेड होंगे, लगभग 6.8 किलोग्राम जो कि नाइट्रोजन सिलेंडर होगा इसके अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन सिलेंडर के अंदर जो कि नाइट्रोजन गैस है वो हमारी प्रेशराइज 200 bar के जो है प्रेशर के ऊपर इसको प्रेशराइज करके स्टोर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति और विश्व के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, 10 नवंबर को। तो प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को जो है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि लोगों को साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही है उनके बारे में जागरूक किया जा सके। ये जो इस वर्ष का जो ये दिन है ये हमारा जो इसकी थीम है ये हमारी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी की थीम के अंतर्गत इसको जो कि मनाया जा रहा है। पहली बार ये जो डे था ये हमारा 2001 के अंदर इसको बनाने के लिए जो कि रिजोल्यूशन है वो पास किया गया था, और पहली बार इसको 2002 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया था। इसके जो डे मनाया जाता है ये हमारे जो
ऑब्जेक्टिव्स के तहत जिनको मनाया जाता है वो हमारे स्थायी और शांतिपूर्ण समाज के लिए विज्ञान की भूमिका को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए और विज्ञान के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को नवीनीकरण प्रदान करने के लिए जो कि इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका जब सही आंसर हो जाएगा होगा ए, 2001 के अंदर। तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, उसने अभी हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसके तहत उन्होंने बताया था कि जो डिस्कॉम कंपनीज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको सभी को जो हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 था उसके तहत जो कि इनको जो है सभी कंपनीज हैं जो कि इसको रूल्स को फॉलो करेंगी और उनको इसके तहत ही जो कि अपनी जो एनर्जी की अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी और उनको इसी एक्ट के तहत जो कि अपने जो है शीट्स बैलेंस शीट्स वगैरह हैं वो गवर्नमेंट को उपलब्ध करवानी रहेंगी जिसके तहत जो है उनके ताकि उनके अंदर जो एनर्जी लॉसेज होते हैं और एनर्जी मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट्स हो गए एफिशिएंसी और कंजर्वेशन को लेकर के जो कि डाटा तैयार किया जाएगा और जो है लॉसेज है उसको कम करने के लिए काम किया जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन थी हमारी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE के द्वारा इसको जारी किया गया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम है जो कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो कि बताना था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।